मोदी जी से हमारी निवेदन ये है कि हम जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं और हमें काफ़ी टाइम हो चुका है और हमने लॉकडाउन का पालन किया है, हमने लॉकडाउन नहीं तोड़ा है और हम इस समय इतने परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे पास खाने के लिए और हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं है, राशन नहीं है। या तो हमारी खाने की व्यवस्था करी जाए या हमारे ज़िला बिजनौर अफजलगढ़ के रहने वाले हैं हम लोग, हमें वहाँ पर भेजा जाए। या तो परेशान है इधर, क्योंकि ये जगह है कश्मीर कुलगांव, यहाँ पर हमें ना तो कुछ हमारा खान काम धाम है ना कुछ। करीबन लॉकडाउन को हो गया 40 दिन का समथिंग हो रही है, अब कब तक हम खाली पड़े रहेंगे। हर कोई मजदूर आदमी है, वो कोई बिजनेस तो हमारा है नहीं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमारी ये गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकाला जाए जल्द से जल्द। 40 दिन से हम यहाँ पर पड़े हैं, हमने प्रधानमंत्री जी का गलत नहीं किया, हम पैदल नहीं निकले यहाँ से। देखिए, मोदी जी के फैसले से हमें कोई आपत्ति नहीं है, मोदी जी जो भी फैसला लेंगे वो जनता के हित में लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुलगांव में 10 लोग फंसे हुए हैं, कश्मीर कुलगांव, और जी हमारे पास में राशन भी नहीं बचा है खाने के लिए, कुल एक दो टाइम का राशन है और उसके बाद में कोई राशन भी नहीं है। और अभी तक सरकार की तरफ से हमें ना तो कोई राशन मिला है और ना ही किसी भी चीज़ की सुविधा मिली है, ना ही घर जाने की सुविधा मिली है। तो मोदी जी से मेरी अपील है कि हमें यहाँ से निकालने के लिए कोई सुविधा मुहैया कराई जाए और हमें अपने घर तक पहुँचाया जाए। नमस्कार दोस्तों, तुसी देख रहे हो ताड़ा अपना चैनल स्मार्ट इंडिया लाइव। कोरोना वायरस जो कि पूरे विश्व च बहुत ही वड्डी समस्या बनी हुई है, उसके चलते कुछ लोग अपनी रोजी रोटी कमान, अपना परिवार चलान, जो कि घर तो दूर आए हुए थे, असी गल कर रहे हैं लेबर मजदूर की, जिन्हों को ना तो कोई कमाई का साधन बचा ना तो कोई राशन पानी। दोस्तों, यह जी वीडियो अज साडे सामने आई है जम्मू कश्मीर तो, जिथे 8 to 10 लोग लॉकडाउन के चलते उत्थे फसे हुए हैं। जिते वह जॉब करते काम करते उतो उन्होंने जवाब मिल चुकिया और ना तो कोई उन्होंने उत्तर मदद कर रहा, इसके चलते इन्होंने सरकार को अपील की है कि साड़ी मदद की जाए, सानू या तो राशन पानी दिता जाए, अगर हो सकता तो सानू साढ़े घर तक पहुँचाया जाए। जो भी साड़ी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर की जाए ताकि ये वीडियो साड़िया सरकार तक पहुँच सके और जो भी संभव मदद हो मदद पहुँच सके। और अगर जम्मू कश्मीर की कोई NGO मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ उन्होंने हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट आ उसे जेड़े भी अन्नदाता कि प्लीज़ इन्हों की मदद करो, क्योंकि इंसानियत की और सच्चाई की चैन आई असी इस कोरोना की बुराई की जो चैन है उन्होंने तोड़ सकते हैं। जय हिंद।